दोस्तों आपका स्वागत है गैजेट बिज हिंदी। मेरा नाम है सुलभ। एक बात तो है दोस्तों, एप्पल फोन्स काफ़ी अच्छे बनाता है। इस बार ही क्या हुआ है, जो 15 और 15 प्लस मॉडल्स हैं वो इंडिया के अंदर बनने वाले हैं और इंडियन जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, बायर्स हैं आपके जैसे, वो इंडियन मेक के आईफोन्स खरीद पाएंगे। पर जो ये स्मार्टफोन है प्रो मैक्स 15 वर्जन जो आईफोन का आया है प्रो मैक्स, वो अभी इंडिया में नहीं बन रहा। अनुमान है ये भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, पर हाँ आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, सारी खूबियां जानेंगे, क्विक कैमरा टेस्ट भी करेंगे इसी वीडियो के दौरान, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है आईफोन 15 प्रो मैक्स का बॉक्स, सामने आप देख सकते हैं आईफोन बना हुआ है, दोनों तरफ आईफोन की ब्रांडिंग भी है, पीछे थोड़ी स्पेसिफिकेशन है पर उसकी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के अंदर। अभी के लिए अनबॉक्स करके देखते हैं। बॉक्स के अंदर आपको क्या चीजें मिल रही हैं। सबसे पहली चीज दी आईफोन इटसेल्फ, सबसे अच्छी चीज मेरे को लगती है आईफोन की, रिमूविंग इट्स पैनल। That's the new iPhone। अभी इसको स्टार्ट करके मैं 2 मिनट के अंदर लेकर आता हूँ, तब तक देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और क्या चीज़ें मिल रही हैं। बेसिकली आपको अब एक ब्रेडेड केबल मिलती है विच इज़ USB Type-C। जी हाँ, आईफोन के अंदर अब USB Type-C पोर्ट आ गया है, तो केबल भी Type-C मिलेगी। साथ ही में यहाँ पर थोड़ा सा रीडिंग मटीरियल और इसके स्टिकर्स भी होने चाहिए। सिम इजेक्टर टूल है, एप्पल का स्टिकर और थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल साथ में जो एप्पल यूजली देता है, वारंटी इन्फॉर्मेशन, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो देखा जाए ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स के बॉक्स में। आइए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए अब बात करते हैं इसके फॉर्म फैक्टर की, डिज़ाइन की, और साथ ही बात करेंगे इसके प्राइस की भी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों स्टार्ट हो गया आईफोन 15 प्रो मैक्स, स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन एस्पेक्ट्स फॉर्म फैक्टर के साथ। सामने आपको एज ऑलवेज एक लार्ज टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, ऊपर डायनामिक आइलैंड मतलब कटआउट के अंदर जो आपके सेंसर्स वगैरह हैं वो डाल दिए गए हैं, तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज़्यादा हो जाती है, बहुत हल्का बैंड है। राइट साइड की तरफ आएंगे, क्योंकि अब ये प्रो मैक्स वर्जन है तो टाइटेनियम की फिनिश है, जो बैंड है फ्रेम है वो टाइटेनियम का आपको मिलेगा। यहाँ पर है इसका पावर बटन, टॉप की तरफ एकदम प्लेन है, बॉटम की तरफ यहाँ पर इसका प्राइमरी माइक्रोफोन है USB Type-C। जी हाँ दोस्तों, अब इस स्मार्टफोन में USB Type-C आ गया है। एप्पल इज गॉन अवे विद द लाइटिंग चार्जर बोर्ड, अब यहाँ पर आपको USB Type-C मिलता है और उसी के साथ एक लार्ज स्पीकर ग्रिल भी मिलेगी आपको। तो माइक्रोफोन, USB Type-C चार्जिंग बोर्ड और उसके साथ लार्ज स्पीकर ग्रिल। लेफ्ट साइड पे आएंगे तो यहाँ पर भी एक और चेंज आपको देखने को मिलेगा, जो रिंगर बटन है वो भी चेंज कर दिया गया है, अब एक एक्शन बटन आ गया है यहाँ पर। उसके साथ है वॉल्यूम की कीज़ और यहाँ पर है इसकी सिम ट्रे, जहाँ पर आप एक 5G सिम डाल सकते हैं या ई सिम से भी इस स्मार्टफोन को वर्क करा सकते हैं। चलते हैं इसकी शानदार बैक की तरफ, बहुत ही ब्यूटीफुल बैक है, बहुत ही अच्छी है, 4 कलर्स में ये अवेलेबल होने वाला है, बहुत अच्छी बहुत सुंदर बैक है। एज ऑलवेज ग्लास की बैक आपको यहाँ पर मिलती है, एप्पल का लोगो है, 3 कैमरास का अरे है, फ्लैश है, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को ये स्मार्टफोन, और हाथ में भी काफ़ी हल्का है बिकॉज ऑफ द टाइटेनियम फिनिश। आइए अब इसका वेट टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो वेट टेस्ट करके देखते हैं कितना है इसका वेट, कुछ 222-223 ग्राम्स के बीच में इसका वेट है, तो लग नहीं रहा मेरे को ये 200 ग्राम से ऊपर का है, पर ठीक है मशीन झूठ नहीं बोलेगी, बट इन द हैंड फील इज क्वाइट नाइस। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की भी, स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साथ। यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस का OLED डिस्प्ले मिल रहा है, सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है, HDR10 यहाँ पर सपोर्टेड है और डॉल्बी विजन भी यहाँ पर सपोर्टेड है। 2000 nits तक इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है, FHD प्लस डिस्प्ले है। इन साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट एप्पल का A17 प्रो चिपसेट मिलता है, जहाँ पर 6 कोर CPU है और 2 परफॉर्मेंस कोर हैं जिसमें से एंड 4 एफिशिएंसी कोर हैं। साथ ही में 6 कोर का GPU भी यहाँ पर आपको मिलेगा और 16 कोर का न्यूरल इंजन भी मिलता है। रैम यहाँ पर 8 GB की रखी गई है
पर जो मेमोरी है स्टोरेज वो आपको तीन ऑप्शन में मिलेगी 256, 512 एंड 1 TB के। कैमरास की बात करें तो पीछे की तरफ आपको तीन कैमरास मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी है और एक और 12 मेगापिक्सल का सेंसर है जो अल्ट्रा वाइड है। आगे की तरफ आपको 12 मेगापिक्सल का एक और सेल्फी कैमरा मिलता है। पीछे से आप 4K में एट 60 FPS वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ भी 4K में वीडियोस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। 4422 mAh की बैटरी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि चार्ज की जा सकती है विद अ USB टाइप सी। यस, एज सेड USB टाइप सी से अब ये स्मार्टफोन्स चार्ज हो सकते हैं। 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी ये सपोर्ट करते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, साथ ही में मल्टीपल 5G बैंड्स ये सपोर्ट करता है। चार कलर्स में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है, नेचुरल टाइटेनियम, ब्लू टाइटेनियम, वाइट टाइटेनियम एंड ब्लैक टाइटेनियम। हमारे हाथ में नेचुरल टाइटेनियम कलर है। प्राइस की बात करें तो 15 प्रो मैक्स स्टार्ट होता है 1,59,900 रुपीज से अप टू 1,99,900 रुपीज। दोस्तों बात करते हैं iPhone 15 Pro Max के ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहाँ पर आपको iOS 17 लगा लगाया मिलेगा। अभी हाल ही में इसका नया अपडेट आया है तो 17.02 पे मैंने इसको अपडेट कर दिया है, बट आउट ऑफ द बॉक्स आपको 17 iOS मिलता है। ओवरऑल द सिस्टम इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी फ्लूइड। मेरे को कोई हिकअप्स देखने को नहीं मिल रहे, सब चीज़ें अच्छी तरह चल रही हैं, फ़ोन आराम से चल रहा है, कॉल्स अच्छी तरह हो रही हैं, ऐप्स बहुत स्मूथली चल रही हैं, मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी तरह हो रही है। तो आई हैव नॉट सीन एनी लैग, मेरे को कोई भी लैग देखने को नहीं मिला ऐप्स के बीच में या स्विचिंग करने के बीच में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अभी कोई दिक्कत नहीं आई है। पर यस, इसका फुल रिव्यू हम लेकर आएंगे gadgetbuild.com, तो वहाँ पर जाके आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। राइट नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्पेक्टेक्युलर। दोस्तों आशा करता हूँ अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अब बारी आ गई है इसका क्विक कैमरा टेस्ट करने की। तीन इमेजेस क्लिक करेंगे, इनडोर्स, आउटडोर्स और इसके सेल्फी कैमरा के साथ। आइए कैमरास की परफॉर्मेंस चेक करते हैं। दोस्तों बारी आ गई आईफोन 15 प्रो मैक्स का कैमरा टेस्ट करने की। तीन इमेजेस क्लिक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इंडोर्स के साथ, पर उससे पहले मैं नेटिव ऐप में आपको सारे मोड दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिनेमैटिक मोड है, वीडियो मोड है, स्लो मोड है, टाइम लैप्स भी है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है और पैनोरामिक मोड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलते हैं इसके फोटो मोड के अंदर प्राइमरी सेंसर के साथ, एक इमेज क्लिक करके देखते हैं कैसी आती है ये इमेज। Rocket is in front of me. Not bad. Colors are on point. Clarity is good. Very very decent image. मेरे को image काफी अच्छी लगी। आपको कैसी लग रही है ये image? In fact, अगर आप देखेंगे हाथ में और उसकी जो body है उसमें भी डिस्टिंग्विश कर लिया है इमीडिएटली कैमरा ने, तो मुझे ये अच्छी लग रही है इमेज। आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए दो और इमेजेस क्लिक करके देखते हैं। तो दो और इमेजेस मैंने क्लिक कर ली है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर मैंने सेल्फी इमेज क्लिक करी है एंड इट इज़ वेरी वेरी नाइस। दिस इज़ इनडोर्स, मतलब जो घर की नॉर्मल लाइट्स हैं उसके अंदर ये मैंने शूट करी हैं। स्किन इज़ ऑन पॉइंट, कलर बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। हल्के से और पॉप कर सकते थे कलर्स, पर ओवरऑल नेचुरल लग रहे हैं, द इमेज इज क्वाइट नेचुरल। चलते हैं बाहर की इमेज की तरफ एंड यहाँ पर द मैजिक हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि अभी थोड़ी सी रेन हुई है दिल्ली के अंदर, तो मैंने एक इमेज क्लिक करी है। लुक एट दिस, वॉट लेवल ऑफ डिटेल्स, मतलब 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर अभी अपग्रेड किया है उसकी कैपेबिलिटीज पुराने वाले से और भी बेटर हो गई हैं। दिस इज द लेवल ऑफ क्लैरिटी एंड डिटेल यू आर गोना गेट इन योर इमेजेस। ओवरकास्ट है, अगेन लो लाइट है, फुल ब्लोन सनलाइट भी नहीं है, लो लाइट है, और उसमें भी इस कैमरा ने बहुत ही सुंदर इमेज क्लिक करी है। आपको कैसी लगी ये इमेजेस मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फुल कैमरा टेस्ट ऑन gadgetbuild.com। दोस्तों आशा करता हूँ हर बार की जैसे आपको ये वीडियो भी पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन तीनों चीज़ों से हमारे को बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है और हमारे को बहुत साहस मिलता है कि ऐसे ही अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मेरा नाम है सुलभ, आप देख रहे हैं गैजेट बिल्ड हिंदी। मैं आपसे मिलूंगा अगली बारी।